हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि मशरूम प्लाव का। आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो डाला हुआ हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो आज मैं उसका किस तरह से सही तरीके से मारने का वो प्रोसेसिंग बताऊंगा, किस तरह से मारना है, किस तरह से नहीं मारना है, तो गन में कैसे मशरूम प्लाव मारते हैं, कैसे यूज करते हैं जो कि इसमें मारते हैं हम लोग, तो ये सही तरीका मारने का प्रोसेसिंग आप आज मैं पूरा बताऊँगा, और कैसे मारने से रहेगा और कैसे मारने से नहीं रहेगा तो पूरा आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, आज ये पंचर मारने वाला है, क्योंकि ये वाला मैं पंचर मारूंगा जो कि ये अंदर से मार के दिखाऊंगा किस तरह से, मतलब अंदर से मारूंगा और बाहर की तरफ से मार के अंदर की तरफ से दिखाऊँगा आपको। तो बने रहे वीडियो में, दिखाता हूँ किस तरह से मारा जाता है। पकड़ो, इधर एक कील घुसा हुआ है, तो कील अगर घुसा हुआ है तो उसको किस तरह से मारा जाता है। तो उससे पहले हम लोग जो है ये वाला जो है ये वाला से हम उसको छेद करेंगे पहले, ठीक है, इस तरह से हम छेद करेंगे, इसे होल कर लेना है इस तरह से। अगर अच्छी तरह से होल करेंगे तभी जो वो कीट जो है वो अंदर से लग पाएगा। इसको थोड़ा सा अंदर से अच्छी तरह से, और ये याद रखना, ध्यान रखना, रेडिएटर जो है वो थोड़ा इसके अंदर तार रहता है, तो उसको मारने के टाइम में ये अच्छे तरह से उसको इस तरह से राउंड घुरा घुरा के उसके अंदर का जो तार है तार को कट कर लेना है। अगर वो नहीं कट करेंगे तो आप जो कीट मारेंगे वो रबर वो कट हो जाएगा, तो मार के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से चेक कर लेना है, और याद रखना फ्रेंड्स, याद रखना, बाइक में अगर करने का टाइम में ये वाला, बाइक में करने वाला ये आगे वाला जो है ये वाला घुसाना है तभी वो रबर लगेगा, और कार के लिए ये वाला, अगर बाइक में इस वाला में अगर घुसा के ऐसा उसको होल करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, जिससे कि वो रबर लगेगा नहीं, प्लॉक नहीं लगेगा, तो ये ध्यान में रखना है। और इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। ये वाला लेना है जो कि ऐसा रहता है, इसको इसके अंदर ऐसे ही टाइट कर लेना है, उसके बाद इसको इसके अंदर इस तरह से घुसा लेते हैं, घुसा के उसके बाद इसको जो है इसको खोल लेना है इस तरह। इसके बाद जो हम लोग का जो ये प्लग है जो इसको इसके अंदर डालना है इस तरह से डाल लेना है, डाल के इसके अंदर इस तरह से ऐसा मोड़ लेना है, उसके बाद ये गन को जो है इस तरह से प्रेस करना है इस तरह। दिखाता हूँ अंदर से, अंदर से किस तरह निकलता है। ये देखिए वो अंदर से किस तरह से लगा, ये बाहर से ऐसे खींचने के बाद से ये बाहर निकल जाता है। उसके बाद इसको क्या करना है, तो कपड़े लेना है, कपड़े से इसको इस तरह से खींच लेना है इस तरह से खींचना है, जो अंदर में जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो फ्रेंड्स, ध्यान से रख के इसको खींचना है, क्योंकि इसमें तार रहता है तो जिसका वजह से कीप कट हो जाएगा, तो ध्यान से इसे खींचना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दिखाता हूँ, इसके बाद इसको जो है थोड़ा बड़ा रख के कट करना है आपको इस
तरह कट कर देना है, इस तरह। और फ्रेंड्स एक बात बताता हूँ, अगर टायर अच्छा रहे तो ये मारना, अगर टायर घिस गया हो तो इसको नहीं मारना, क्योंकि ये घिसा हुआ टायर में अगर मारेंगे तो ये क्या होता है ना, साइड से प्रेशर निकलना लगता है। तो इसको कभी भी टायर अगर अच्छा रहे तो इसको मारे तो ये रहता है, और टायर घिस गया हो तो उसमें नहीं मारने का, मारने से के बाद फिर से जो रबर है मसूर ब्लॉक का उसके अंदर से प्रेशर निकलने लगता है, इंजन से निकलने लगता है, ये साइड से निकलने लगता है। और एक फ्रेंड्स याद रखना, कील अगर सीधा घुसे हुआ हो तभी ये पंक्चर मारना है, अगर टेढ़े में घुसे हुआ तो वो नहीं मारना है, क्योंकि वो मारने से टेढ़े से क्या होता है, एयर लीक करेगा किसी जाला से। अगर वो सीधे में कील घुसा हो तो अगर उसमें अगर आप मारेंगे ये परफेक्ट लगेगा और काम देगा, ये चीज़ का याद ध्यान रखना है। और आपको मैंने बताया हुआ था ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये बाइक के लिए है, जो कि बाइक के अंदर इतना अंदर तक घुसाना है, होल के लिए इधर तक नहीं घुसाना है, ये जो है ये कार के लिए है, कार सब जो है उसमें मारने के। और एक बात ध्यान रखना है, टायर जो है रेडियल टायर है, जिसमें वायर रहता है उसमें देख के मारना है, और जब आप छेद करेंगे उसको अच्छी तरीके से छेद करना, क्योंकि उसके अंदर तार रहता है, जब हम वो अंदर गन मार के अगर खींचते हैं तो रबर जो है तार में लग के कट हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी रेडियल टायर में पंक्चर मारेंगे तो उसमें होल करने के टाइम अच्छी तरीके से होल करना है, ताकि जब वो रबर निकालेंगे खींच के वो रबर कटे ना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं इस चीज़ का टॉपिक के लिए मैं वीडियो बनाया हुआ था, तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्त फ्रेंड लोग, तो भाई को सपोर्ट करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है प्लीज़, और ग्रुप लोग को शेयर करना है।